8.1.7 मनुष्य में हार्मोन द्वारा सूचनाओं का आवागमन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। तंत्रिकाओं के अलावा हमारे शरीर में क्रियाओं के नियंत्रण में कुछ ऐसे रसायनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारे रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटीनीय पदार्थ हैं। इन्हें हार्मोन कहा जाता है। यह यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है गति प्रदान करना। हार्मोन विभिन्न अंगों की गतिविधियों के बीच की कड़ियां जोड़ने वाले प्रमुख एजेंट हैं। हार्मोन द्वारा समन्वय के उदाहरण इस प्रकार हैं। हमारे अग्नाशय पैनक्रियास में पाचन क्रिया के लिए बनने वाले रसायनों के अलावा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता है। इंसुलिन न हो तो हमारा शरीर शक्कर का उपयोग नहीं कर सकता। इंसुलिन की अनुपस्थिति में हमारे वृक्क रक्त में उपस्थित शक्कर को मूत्र के साथ बाहर निकाल देते हैं और हम मधुमेह डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में हो तो और अधिक घातक होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की ज्यादा मात्रा का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसका यकृत रक्त से सारी शक्कर ले लेता है, जिससे मस्तिष्क को शक्कर नहीं मिल पाती और स्थिति गंभीर हो जाती है। यह सत्य है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को इंसुलिन की आवश्यकता होती है, मगर यह भी जरूरी है कि इसकी एकदम सही मात्रा शरीर में रहे। इसलिए प्रत्येक कोशिका में इंसुलिन बनाने के स्थान पर यह एक ही अंग अग्नाशय में तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से बनता है। इसी प्रकार एक और हार्मोन गर्दन में उपस्थित पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि यह हार्मोन बहुत कम हो तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है और मांसपेशियों में विचित्र ऐंठन होती है। संभवतः हड्डियां रक्त से कैल्शियम को सोखती हैं। यदि यह हार्मोन बहुत अधिक हो तो हड्डियां घुलने लगती हैं और रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। दोनों ही स्थितियां जानलेवा हो सकती हैं। क्या पैराथायराइड हार्मोन के स्रवित होने में भी तंत्रिकाओं की भूमिका होती है? गर्दन में ही एक अन्य ग्रंथि थायराइड स्थित होती है। इससे एक हार्मोन थायरोक्सिन का निर्माण होता है। यह हार्मोन शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ावा देता है, अन्यथा ऑक्सीकरण एकदम न्यूनतम स्तर पर रहता है। यह हार्मोन कम हो तो व्यक्ति मोटा और सुस्त हो जाता है। यदि यह हार्मोन बहुत अधिक हो तो व्यक्ति दुबला पतला अति सक्रिय हो जाता है। उसकी नाड़ी बहुत तेज हो जाती है। कई अन्य लक्षण भी उभरने लगते हैं और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। कभी कभी कैंसर या किसी अन्य कारण से यह ग्रंथि शरीर से निकाल दी जाती है, तब उस व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन देना होता है। इतनी ही मात्रा यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन बनाना बंद कर देती है और रक्त में थायरोक्सिन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि उसे आवश्यक दैनिक मात्रा से अधिक हार्मोन दिया जाता है तो उसकी ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। एक और ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की हमारे शरीर के लवणों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एड्रिनल ग्रंथि है जो हमारे वृक्कों के पास स्थित होती है। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कई हार्मोन्स बनाता है। इनमें से एक हमारे शरीर में लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यह हार्मोन नहीं बन रहा हो तो उसे प्रतिदिन थोड़ा अतिरिक्त नमक खिलाकर जीवित रखा जा सकता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जिनके कारण किशोरावस्था में शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछों या स्तनों का विकास आदि।
एक अन्य हार्मोन जो स्त्रियों में पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन पूरी गर्भावस्था में और प्रत्येक मासिक चक्र के समय बनता है।